बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुनीदा और आप देख रहे हैं डेली उर्दू न्यूज़। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त आदिल राजा और पाकिस्तान की चार मशहूर एक्ट्रेसेस जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बहुत अच्छे अच्छे ड्रामा और फिल्में दिए हैं उनके हवाले से एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हाल ही में आदिल राजा ने सोशल मीडिया पर जारी व्लॉग में पाकिस्तान के टॉप मॉडल्स और अदाकारों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे और ज़राए के हवाले से दावा किया था कि एक इदारे के पास उन मॉडल्स और अदाकारों की नाजेबा वीडियोस भी मौजूद हैं और इसके हवाले से तमाम के तमाम जो अदाकार हैं उन्होंने उनके हवाले से नाम लेने के बजाय उनके कुछ जो शुरू के इनिशियल्स हैं वो बताए हैं। अदाकारा कुबरा खान ने इंस्टा स्टोरी शेयर करती हुए कहा कि मैं शुरू में खामोश रही क्योंकि एक फेक वीडियो थी जो कि मेरे वजूद को बिल्कुल नहीं मिटा सकती, लेकिन बस अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई भी शख्स मुझ पर बैठे बिठाए उंगलियां उठाएगा और मैं चुप बैठूंगी तो आपकी सोच है। लिहाजा मिस्टर आदिल राजा, जब आप किसी इंसान पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो पहले आपके पास सबूत होना ज़रूरी है। मजीद बरा कुबरा खान ने अपनी स्टोरी में मजीद लिखा है कि आपके पास सबूत सामने लाने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं जिसके लिए आपने हक और सच का दावा किया। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपना बयान वापस लो और आवाम के सामने मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी और मैं सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बरतानवी शहर भी हूँ, लिहाजा मैं वहाँ से भी तुम्हारे पीछे पहुँच जाऊँगी। मैं सच पर हूँ, मैं हक पर हूँ और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती। आप देख सकते उन्होंने ये अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे पिछले भी हमने जो मेवेश हयात का रिस्पॉन्स था वो आपको दिखाया। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।